नमस्ते दोस्तों, मैं थारुविया में आप सभी का स्वागत है न्यूज़ जेट पर। मैं आज आई हुई हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज पर। शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता है कि हमारे अरुणाचल जीरो लोअर सुबनसिरी में गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। 2009 में इनका सेंक्शन हुआ था एंड 2013 में इनका इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी सालों से ये पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, ना ही इसमें कोई पढ़ाई लिखाई किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कॉलेज का नज़ारा कितना बुरा हाल है। अब मैं आप सभी को इनका अंदर का नज़ारा भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह है, तो चलिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं ये कॉलेज का कितना बुरा हाल है। यहाँ में बस्ता पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्ट शायद पूरा नहीं हुआ, देखने पर तो बिल्डिंग सारा पूरा बन चुका है, फिर भी यहाँ इतना बुरा हाल है। कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। मैं आपको अभी अंदर का नज़ारा भी दिखाती हूँ कि किस तरह है। आप देख सकते हैं ये कॉलेज में गाय गोबर बैल बकरी के गोबर के अलावा और कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ना ही कोई लोग है, ना ही कोई इंसान है, यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। सुनने में आया है कि मिलो उरू ने इन कॉलेज को बनवाने के लिए लैंड डोनेट किया गया था, तो वो उनका जो सेक्रीफाइस है हमारे लिए, यूथ जो फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना जो लैंड डोनेट किया, वो आज ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बैल बकरी के उनके गोबर के अलावा और कुछ नहीं है। अंदर का नज़ारा कितना बुरा हाल है, आप सभी देखिए। कॉलेज को बनवाने के लिए जो लाखों करोड़ों पैसा खर्च किया गया है, क्या वो यहाँ के बैल बकरी के लिए किया गया है? आज जो ये कॉलेज का हाल है, कौन है इनका रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट या पब्लिक? मिलो उरू क्यों चुप बैठ रहे हैं? अगर उन्होंने इसलिए लैंड डोनेट किया ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन सके, जबकि ये कॉलेज सालों से बंद पड़ा है, यहाँ चारों ओर जंगल और गोबर के अलावा कुछ नहीं है, लगता है ये इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए बना हुआ है। आप देख सकते हैं क्या ये कॉलेज हमेशा इस तरह रहेगा? ये कॉलेज आज ऐसा है तो क्यों है, किस लिए है? हमारे यहाँ का पब्लिक क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा, क्यों सारा पब्लिक चुप रह रहा है, जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है? हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ खुद का पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज है, क्यों? क्या ये कॉलेज हमेशा दीपक रहेगा इसी तरह से, या फिर आगे जाके इस्टेब्लिश होगा? और आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे देखने के लिए, आगे जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जेट।